नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले कि कैसे अपने मोबाइल में लेंसकार्ट एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आपने लेंसकार्ट एप्लीकेशन में अपना यदि अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि गाइस नए आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आपको अपने मोबाइल में लेंसकार्ट एप्लीकेशन को यहाँ डाउनलोड कर लेना होता है। तो गाइस मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो गाइस मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। ओपन करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहां पर गाइस कुछ टाइम के लिए हमारे सामने लोडिंग लेगा, फिर गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहां पर गाइस हमारे सामने दो तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लॉग इन विया फोन नंबर एंड गाइस लॉग इन विया व्हाट्सएप। तो गाइस आप किस टाइप से अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, तो गाइस मैं अपने मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूं, तो गाइस यहां पर मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पर ऐड कर देना है। तो गाइस मैं यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है उसे यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद यदि गाइस आप जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो यहाँ पर अपना व्हाट्सएप पर लेना चाहते हो, तो गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है, नहीं तो गाइस इसे ऐसे ही छोड़ देना है। फिर गाइस मैं यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे गाइस अब यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो गाइस मैं यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा जिन्हें गाइस अलाउ करने को पूछ रहा है। यदि गाइस आप इन परमिशन को अलाउ करना चाहते हो तो अलाउ कर सकते हैं, नहीं तो गाइस आपको यहाँ पर स्किप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल के लिए तो गाइस मैं यहाँ पर परमिशन को अलाउ कर देता हूँ। तो अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से एक बार परमिशन अलाउ करने को पूछेगा, तो फिर से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर गाइस कुछ टाइम के लिए लोडिंग लेगा, फिर गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है गाइस। तो यहाँ पर देखिए गाइस इस तरह से गाइस आपने लेंसकार्ट एप्लीकेशन में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे गाइस यहाँ पर ऊपर की साइड आप थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो गाइस आपको यहाँ पर अपना अकाउंट देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से गाइस आपने लेंसकार्ट एप्लीकेशन में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस, ताकि गाइस आने वाली नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। थैंक यू गाइस।